हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अरुण गिडवानी। सो आज हम गुजराती के 5 चैप्टर्स हमने कर दिए हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज हम इस वीडियो में 1-4 का चैप्टर नंबर 1-4 का मोस्टली सब स्कूल में यूनिट टेस्ट होगी गुजराती की, होप। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि आज हम एक पावरफुल बैक रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1-4 का, जिसमें मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, थोड़ी समरी बता दूंगा, सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। 1-4 रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट 4 तक, क्योंकि 5 तो अभी अभी कराया था मैंने थोड़े दिन, 1-2 दिन पहले। तो अभी हम 1-4 का रिविजन शुरू करते हैं, ओके। सो चैप्टर नंबर 1 क्या है? पोयम है क्रोधी स्वभाव ने जीतवो ने। मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स बोल रहे, क्या क्या याद रखने को। क्रोधी स्वभाव ने जीतने के जो राइटर है वो कौन है? गंगा सती। यस, गंगा सती, कवियत्री गंगा सती है। फिर उसका वो प्रकार क्या है? पद है, गंगा सती पद, ठीक है। तो इस पोयम में क्या बात कही गई है? क्या हमें कभी भी क्रोध स्वभाव रखना नहीं चाहिए, सबके साथ समानपण मतलब इक्वली बिहेव करना चाहिए, अपने मन का विरोध टाल देना चाहिए, पवित्र बन के काम को जीतना चाहिए, अंतर में वैराग्य स्थिति बना के रख देनी चाहिए। वैराग्य स्थिति मतलब क्या बोलो? मतलब जो भी खराब विचार है वो सब निकाल देने चाहिए, जो लालच है, कोई बुराइयां है, वो सारी हमें नहीं रखनी है। फिर शानवान का अभिमान करना नहीं है, दुर्जन के राग से बाहर आ जाना चाहिए, लोक और परलोक की आशा कभी भी रखनी नहीं चाहिए, मात्र कर्म में ध्यान रखना चाहिए। फिर करना समान, जो सारे सिद्धि है, जो भी हमने जीता है, जो भी हम हमारी क्वालिटी है, उसको सब अच्छे से क्वालिटी, उसको तरना समान मानना है। तरना मतलब घास समान मानना है, बहुत ही छोटा, और अपने अंतर को, अंतर की सारी बुराइयों को मेल लेना है, हटा लेना है, ठीक है, त्यज देना है। फिर बोलती है कि जो गुरुमुख है, गुरुमुख की वाणी मानते हैं उनको, वो उनके वचन ज़रूर मानते हैं। और गंगा सती किसको बोल रही है सारी पोयम? पान भाई को, मोस्टली उनकी पोयम सती वो बोलती है। और जो ये सारी क्वालिटीज़ करेगा उसे कभी भी कोई तंग कर सकेगा नहीं, और ना ही कोई मुश्किल ही आएगी उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। कि मैंने आपको पूरी पोयम की समरी दे दी। गंगा सती शाने जीतानु कहे छे, तो क्रोध ने, मननी द्विधा टाड़ा कवि केवो कवित्री केवो व्यवहार सूचे छे, तो बद्दा साथे समानपणे वर्तवानु कहे छे। गंगा सती ना शिष्य कौन हता? पान भाई। गंगा सती अंतर में शू धारण करीने करवानु जणावे छे, शा माटे? तो गंगा सती अंतर में वैराग्य स्थिति भावनानु ने धारण करवा कहे छे। कारण के पूरी पोयम का मोस्टली समरी, कारण के आनाथी समानपणे सर्वमां वर्तवा रहेवा आपणे शीखी शकीए छीए, अने आ लोक ने परलोक नी आशा नी आपणने कोई मतलब नथी, मात्र आपणे कर्म में ध्यान राखी शकीए छीए, अने अभिमान करवाथी पण आपणने बहु मुश्किली पड़ी शके छे। तो आनाथी वैराग्य स्थिति एटले अभिमान न करवो, तो ये बधुं धारण करवानुं कहे छे। ई आप पछी जरा डायजेस्ट में रन करना, क्योंकि ये तो ऐसा पण मैंने पूरी पोयम आपको समझा दी रिविजन में, आपको मैं थोड़े क्वेश्चन आंसर से वैसे ही डिस्कस कर रहा हूँ एज अ रिविजन। यू हैव टू रीड योर गाइड्स और एनी रेफरेंस बुक फॉर द यूनिट टेस्ट, ओके, डोंट लेट गो दैट। अब कई आशा छोड़ीने शेमा ध्यान धरवानो उपदेश गंगा सती जणावे छे, तो आ लोक ने परलोक नी आशा छोड़ीने मात्र अभ्यास में ध्यान करवानुं कहे छे। 2 मार्क है, 3-4 वाक्य में लिखना है। आप मेन मैंने आइडिया बता दिया कि आ लोग ने पर लोग ने आशा छोड़ी ने मात्र अभ्यास में ध्यान रखना कहे, एटले कि कर्म में। अब आप थोड़ा 2-3 लाइन में कैसे लिखोगे, 3-4 लाइन में, मतलब वो आपको देख लेना है। सविस्तार पूरे पोएम मैंने ऐसे ही समरी समझा दी, अब आंसर आप अपने आप बना सकते हो सविस्तार के। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि गंगा सती क्रोधी स्वभाव जीतवाने माँ शू विचारों धारण कर्या छे, अने आ कोने कहे छे, तो मैंने सब आपको बता दिया है, ओके।
आई होप आपको चैप्टर नंबर वन दैट इज पोएम नंबर वन तो अच्छी तरह से आती ही है. नाउ पोएम नंबर थ्री, मतलब चैप्टर नंबर थ्री, एक सरखा दिवस सुखना. क्या है ये एक सरखा दिवस सुखना? तो प्रबुद्धलाल द्विवेदी ने ये पोएम लिखी है. और इसका साहित्य प्रकार क्या है बोलो, गैस साहित्य प्रकार क्या है बोलो? गैस हो गया. साहित्य प्रकार है इसका गीत. साहित्य प्रकार गीत है, मतलब प्रभुलाल द्विवेदी गीत आपको लिखना है पूछे वन लाइनर में. तो इस चैप्टर में प्रभुलाल द्विवेदी हमें क्या बता रहे हैं कि एक सरखे दिवस होते हैं सुख के. जो शाणे लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, वो कभी भी उससे फुलाते नहीं है. भाग्य अच्छा हो के खराब हो, उससे कभी भी उन पर डिपेंड नहीं रहता, उसको कोई परवाह नहीं है. फिर जो खिलाता है वो कर्माता है, जो सरजाता है वो लोपाता है. मतलब जो अंश ना, जिसका विनाश होता है उसका उत्पन्नता भी होती है, जिसका उत्पन्नता होती है उसके विनाश भी होता है. समय जो है वो बड़ा बलवान है, जो चढ़ता है वो गिरता है. जो मतलब ये सब कभी नियम पलटाते नहीं है. और समय बलवान है पुरुष नहीं, क्योंकि अर्जुन को भी काबे नाम के लूटारे ने लूट लिया था. भले ही कितना भी वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था तो भी भाग्य फूट जाएगा तो राजा भी फकीर बन जाता है. और हमें सिर्फ हमें मृत्यु से डरना नहीं है, हमें किससे डरना है? सिर्फ दुष्कर्म से डरना चाहिए. और हूपद मतलब कभी भी इतना अभिमान नहीं करना चाहिए. जो धारा है वो तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हरी जाता है वही होता है. और पात्या पर पाटू दाज्या ऊपर डाम, ये कहवत भी है कि एक पीड़ा होती है तो दूसरी पीड़ा खड़ी होती है. इसलिए कभी भी अभिमान मत कर, समय बलवान है. और दुर्जन के काम, किसी को तंग कोई और मुश्किल में हो तो उसे और मुश्किली में लाना, ये सिर्फ दुर्जन का काम है. इसलिए तू भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दे. मतलब कभी भी बुरे काम मत कर, कभी भी दुर्जन का राग अपना नहीं. ठीक है, क्वेश्चन आंसर थोड़े डिस्कस कर ले. साहिबीती कौन फुलातू नती? साहिबीती श्याणा लोगों फुलाता नती. कवि ने दृष्टि शुड़ा कौन से? तो जे भागी रूटे के रीजे एनी तमान लेतो नती ए शुड़ा गणाय छे. मुसीबत में कोई पण मुंजारे मुंजातो न, जे इंसान मुंजातो नती एने पण शुड़ा कहवाय छे. समय ने पुरुष में बलवान कौन? तो समय. मृत्यु पछी शू साथे आवतु नती? तो धन जन संपत्ति. मनुष्य से कौन डरवानु जोइए? तो दुष्कर्म थी डरवानु जोइए. अर्जुन द्वारा दृष्टांत द्वारा कवि शू संदेश आपे छे कि समय बलवान छे. ए दृष्टांत समझावे छे कि काबे भले केटलो मोटो धनुर्धर हतो पर काबे आखिरे एमने लूटी लीधो तो. नियतिना शू क्रम छे? तो खीले छे ते कर्माय छे, सर्जाय छे ते लोपाय छे, जे चढ़े छे ते पड़े छे, अने जे जे अने जे जेम सुख नी जेम दिवस छे एम रात छे, एने जेम सुख सुख अने दिवस ना नियमो कदी पलटाता नथी. क्यारे सुख होय छे तो क्यारे दुख, एटले मतलब कन्फ्यूजन लाइक निकले ने कि त्रीन चार वाक्य में पूछा हो तो. जीवन ना सार शेमा समायलो छे? तो जीवन में सार एवो समायलो शेमा समायलो छे? दुष्कर्म हो सकता है आंसर. यस, दुष्कर्म जीवन सार दुष्कर्म न हो एम सामेलू है कि मृत्यु थी केम डरवानू? कवि कहे कि मात्र दुष्कर्म थी डरवानू, कारण के एज आपना भाग्य एट कर्म ने बगाड़े छे. ऐसा सब डाल देने का कंक्लूजन. फिर भी आप गाइड्स रिफरेंस बुक अगेन बोलता हूँ रीड कर लेने का. सविस्तार मैंने आपको पूरी पोएम समझा दी. मतलब फिर तो कुछ भी आ सकता है कि एक सरकार जाता नहीं एनी परिस्थिति परिवर्तन हमने शू संदेश समझावे छे. या तुम्हारा मर्म आपता शब्दों में लखो तो ये आ सकता है. कोई भी सविस्तार ऐसे आ सकता है. ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर टू, कुसुम नू कठणता. फीस में मैं एक समरी दे रहा हूँ, नो क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है और ये बहुत बड़ा चैप्टर था तो इसलिए मैं फटाफट से एक समरी बोल देता हूँ. देखो, पहले तो आपको लिखने का कि सरस्वती चंद्र ना चतुर बागमती लेवा माया छे. इसके कवि कौन है? गोवर्धन राम त्रिपाठी. इसका साहित्य प्रकार है बोलो, साहित्य प्रकार क्या होगा इसका? मैंने आपको बताया होगा नवल कथा खंड,
गोदाराम त्रिपाठी नवल कथा खंड। अब इस चैप्टर में क्या है, पिता विद्या चतुर और गंगा और गुण सुंदरी, माता है मोटी कुमुद, कुमुद उसको लड़की, और नानी जो है वो कुसुम है, दो लड़कियां हैं। काकी कौन है, सुंदर गौरी, और भाई ये तेजस जो कुमुद है उसकी शादी सरस्वती चंद्र से होती है, पर सरस्वती चंद्र का गुरु त्याग कर लेता है इसलिए वो वापस चला जाता है, वो भाग जाता है। तो उसकी जो कुमुद है ना उसकी दूसरी शादी करा लेते हैं किससे, एक कुसंस्कारी लड़के से जो बहुत खराब है, इसलिए वो बहुत दुखी होती। अब ये सबसे ये उसकी बहन छोटी बहन वो अजान नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि मैं कभी शादी नहीं करूँ, जिससे पिता विद्या चतुर तो सहमत है, और जो माता गुण सुंदरी है और काकी कुसुम गौरी, गुण सुंदरी और सुंदर गौरी है, वो दोनों बोलते हैं कि इसको पढ़ा के इसको अच्छा घर मिले, वो इच्छते हैं। तो पर जो है ये डिसाइड कर लेती है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, और इसलिए और इसको है ना एक ब्रह्मचारी योग जीना है, मतलब कि जंगल में जाकर जीना है, मतलब कि ऐसे लोग कैसे कोई बाहर पड़ा बिना गरीब की तरह खाते पीते हैं वो सब सीखना है। इसलिए वो एक मालन के ओरडे के पीछे पीपल के झाड़ पर खिचड़ी बना रही है। ये चैप्टर में शुरुआत ऐसी कि खिचड़ी बना रही होती है मालन, मतलब कि जो गार्डनर है, मतलब वो उसने एक झाड़ी साड़ी पहनी है, मतलब कम जात की थोड़ी, मतलब उसकी ही पहनी है, कम जात की तो नहीं, मतलब ऐसी साड़ी पहनी है कि जिससे वो लग रही है रियलिटी। फिर जो काकी है वो उसे ढूंढते वहाँ पे पहुँचती है और बोलती है कि तू ये सब क्या कर रही है, पूरा वो इंसिडेंट बताया है। काकी से थोड़ा नाराज भी है और वो काकी को बोलती है कि हाँ मैं ये सब सीखना चाहती हूँ, इसलिए तो काकी बोलती है कि अब तू क्या फिर सच्ची में अभी चली जाएगी, तो वो बोलती है कि हाँ जब तक मेरे को आश्रय यहाँ पे मेरे माता पिता शिव पार्वती है और जो माता पिता के शिव पार्वती है और जो घर है मेरा मंदिर है, तो इसलिए जब तक मैं किसका बोर्ड नहीं हूँ तब तक मैं रहूँगी, पर मैं चली जाऊँगी, उसके लिए एक दिन खाली चेक करने जाना है ऐसी सब जगहों को, वो बता रही है। फिर लास्ट में जो काकी है वो बोल एक कर्कश वाणी बोलती है कि भाई जो भाई है ना कि तू ये सब कर रही है पर सोच ले, क्योंकि है ना कन्या को विद्या देने में अब माँ बाप बहुत बहुत डरेंगे, क्योंकि तू ऐसे सब कर रही है तो बाकी सब भी विद्या के बाद ये सब वो ऐसी उनको विद्या मिलेगी तो दूसरे लोग भी ऐसे करेंगे, इसलिए माँ बाप डरेंगे, तो माँ बाप इन लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, और ये तेरा पूरा संसार का पाप तेरे ऊपर है, और तू फिर पछताएगी और काकी को भी याद करेगी। तो ऐसे सब वाक्य से कुसुम का जो गुस्सा बना है वो ठंडा हो जाता है, वो दुख में आ जाती है और शायद उसको ठंडक पड़ती है थोड़ी। उसने बहुत सारे तप किए इसलिए कुसुम नो कठन तप नाम दिया गया है, ठीक है। पाठ के शुरुआत से ही कुसुम ना कठन तप शुरू हो जाता है। अब इसके आपको आंसर्स रीड करने हैं, आई होप मैंने एक समरी समझा दी है क्या चैप्टर में, ओके। नाउ चैप्टर नंबर 4 भी हम समरी देख लेंगे सिर्फ, क्योंकि देखो इस ये सब चैप्टर्स क्या है कि वन लाइनर्स ऑलरेडी आपने आपको हो चुके होंगे, और अब मैं लेट नहीं करना चाहता ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा बड़ा बना के, आप लोगों को मैंने समरीज बता दिए, तो नाउ यू आर मैच्योर दैट यू हैव टू रीड द रेफरेंस बुक एक्सेट्रा, यू हैव टू रीड, एंड आपने प्रिपेयर तो कर ही लिया होगा, ये तो मोस्टली मैं रिविजन के लिए आया था, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ चैप्टर नंबर 4, नारायण हेमचंद्र। क्या था नारायण हेमचंद्र में, नारायण हेमचंद्र एसोसिएशन में से एक गांधी जी को कहाँ पे किसके वहाँ मिस मैनिंग के वहाँ मिले थे, उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे नारायण हेमचंद्र ने, बेडोर पाटलून, ऊपर चौड़ाई गए लो काठे लो मेलो, बादामी रंग नो कोट। ये मैं गुजराती वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको आंसर में पहरवेश के बारे में लिखना है फिर, ठीक है। नेट का ही कॉलर न होता, कोट पारसी गाट नो होतो, अने माथा पर फूमता वाली टोपी होती, गूंथेली टोपी होती, ते दाढ़ी रखवानो खूब शौक होतो। अब इनको इंग्लिश नहीं आती थी, पर गांधी जी के साथ सब इंग्लिश सीखने गए, तो उन्होंने अपने बताया कि मुसाफरी करना शौक है, अलग अलग भाषा को ट्रांसलेट करना उनका शौक है, पर वो ट्रांसलेट किस तरह करते हैं, पूरा का पूरा मीनिंग नहीं लिखते, सिर्फ भाव बताते हैं, भाव होगा वो सिर्फ भाव रखने में ही मानते हैं, मतलब
फिर उनको अमेरिका जाने की भी बहुत खुशी थी, अब वो साधु पुरुष को मिलने की भी खुशी थी, वो जो गोदी ने मजदूर की हड़ताल थी वो जिन्होंने रुकाई थी, कार्डिनल मैनिंग रुकाई थी, इसलिए वो मिलने गए थे गांधी जी और ये सब। वहाँ पे भी वो कपड़े बहुत सिंपल सादे पहन के गया था, क्योंकि फिर वो मानता है कि जो महापुरुष होते हैं वो कभी पोशाक को नहीं देखते, वो सिर्फ हृदय को तपासते हैं। और फिर उन्होंने कार्डिनल मैनिंग के साथ भी दोनों का अनुभव बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कार्डिनल मैनिंग ने लास्ट में बोला था कि तुम यहाँ पे अनुकूल से रह रहे हो, यही मेरा मैं उम्मीद रखता हूँ और ईश्वर तुम्हारा भला करेगा और तुम्हारे यहाँ पे जो लोग हैं वो सब आपसे अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब जब नारायण चंद्र, फिर एक बार इंसिडेंट बताएंगे, नारायण चंद्र एक बार गांधी के घर आए थे तो धोतिया पहन के आए थे, तो लोगों ने उसे असभ्य पोशाक मतलब धोती पहन के आए थे, तो लोग सब उसको पागल समझ रहे थे, पर उन्होंने भागते वक्त कुछ ध्यान नहीं दिया और वो गांधी के घर आ गए। जब गांधी जी ने पूछा कि तुमको छोकरा ने मतलब बोला नहीं, तो वो कि हाँ वो सब भाग रहे थे, पर फिर आखिर में वो शांत हो गए तो मैं फटाफट आ गया। और फिर अमेरिका की बात करिए, अमेरिका विलायत में भी मतलब एक बार उसने धोती पहनी थी तो उसे असभ्य पोशाक गिना गया था और उसको मे भी जेल भी हुई थी उसके लिए, बट फिर वो छूट गए थे लास्ट में। यहाँ तक चैप्टर था। और थोड़ी ऐसी बात की गई है कि जब गांधी जी ने उनकी बुक्स जो ट्रांसलेटेड पढ़ी थी तो उसमें मीनिंग्स कुछ भी नहीं थे, सिर्फ मात्र भाव निकल रहा था। हाँ, भाव जरूर निकल रहा था। तो मतलब एक तरह के नारायण हेमचंद्र कौन किस तरह के इंसान है, भाषा जिज्ञासा निखालसता, मतलब वेरी फ्री माइंडेड, अफूट धीरज और आत्मविश्वास से भरे इंसान है। सो आई होप you find this benefit of this revision video, you like it, please subscribe and like the video and please share. Thank you.